हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अभिषेक आज फिर एक नई वीडियो में अपने चैनल हैप्पी इवेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी पूरे विश्व की जो हालत है, हमारे देश की जो हालत है, गरीब तबके के जो लोग हैं, मजदूर जो लोग हैं, दिहाड़ी का काम करके जो अपना पेट भर रहे थे, उन लोगों के सामने दोस्तों अभी इस तरह की कितनी परेशानी आ चुकी है दोस्तों, या हम सभी के सामने है। हम लोग तो अभी भी खा पी रहे हैं, अपने घरों में आराम से हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों जो कि इस महामारी के कारण उनकी हालत ठीक नहीं है। जो कि रोज कमा कर खाने वाले लोग थे, उनके पास इनकम का स्रोत अभी नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, वो लोग अभी खा पी नहीं सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे लोगों की हेल्प करें दोस्तों। अगर आपके आसपास भी आपको अगर मालूम है कि ऐसे लोग हैं आपके एरिया में, मोहल्ले में, तो ऐसे लोगों से मिले और उनसे पूछें कि अगर आपको कोई कष्ट है, खाने की वस्तु नहीं है तो खाने का सामान जाकर उनको दे दें। किसी तरह का अगर आप किसी भी चीज में सक्षम है दोस्तों, तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों की मदद करें दोस्तों, क्योंकि ये लोग भी हमारे अपने ही हैं, हमारे देश के हैं, हमारे समाज के हैं। हम सभी का फर्ज बनता है, अगर ऊपर वाले ने हम लोगों को सक्षम बनाया है, अगर ऊपर वाले ने हम लोगों को इस लायक बनाया है, तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि अपने लोगों के, अपने समाज के लोगों के, गरीब लोगों के, मजदूर लोगों के हेल्प कर सके दोस्तों। तो इस पुण्य से चूके नहीं दोस्तों, आप जितना लोगों का हेल्प करेंगे दोस्तों, ऊपर वाला भी आपको उतना ही खुश रखेगा। इसीलिए इस बात को भूल के कि हम सक्षम हैं या नहीं, आप जितना सक्षम है दोस्तों उतना ही करें। पर अगर हर व्यक्ति यह ठान ले कि हमें कुछ न कुछ गरीब लोगों की हेल्प करनी है, तो दोस्तों याद रखें कि कोई भी हमारे देश में भूखा नहीं रहेगा। जिस दिन हम लोगों में सब में इस तरह की सोच हो जाएगी, उस दिन हमारा देश के एक भी लोग भूखे नहीं रहेंगे दोस्तों। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि जो भी जरूरतमंद है, अगर आपके ध्यान में है, आपके एरिया में है, मोहल्ले में है, आपको पता है कि उन्हें अभी कष्ट है, तो ऐसे लोगों को मदद करें, खाने की चीजें दे दें, रुपए दे दें। पर दोस्तों मदद करना ही चाहिए, हमारे अपने ही लोग हैं, कि हेल्प अगर हम नहीं करेंगे तो आओ कौन करेगा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों जितना हो सके बढ़ चढ़ के ऐसे लोगों की मदद करें जिनको हमारी मदद की आवश्यकता है, उनको मदद करें। कोशिश करें कि हमारे सामने जो भी लोग रह रहे हैं वो कम से कम तो भूखा ना सोएं दोस्तों। अगर आप किसी को खाने को दे रहे हैं, पीने को दे रहे हैं दोस्तों, तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता दोस्तों। इसीलिए इस विपत्ति की घड़ी में अपने देश के साथ खड़े रहें, मजबूती के साथ खड़े रहें, अपने लोगों की हेल्प करें, जहां तक हो सके सहायता करें, जहां तक आप सक्षम हैं उतना ही, पर कोशिश करें कि हमें किसी न किसी की सहायता करनी है तो करनी है। अपनी सोच इसी तरह से बनाए दोस्तों, तभी जाकर हमारा देश इस कोरोना वायरस को हरा पाएगा और इस देश से घुटने टेक कर भागने पर मजबूर कर पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा ख्याल रखें कि हमें गरीब मजबूर जितने भी उस तबके के लोग हैं जो कि इस महामारी से हम लोगों से ज्यादा अग्रित हो रहे हैं, उनकी हेल्प हम लोगों को करना है और करना भी चाहिए दोस्तों। इस बात के साथ मैं आप लोगों से एक बार फिर हाथ जोड़कर यही कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की हेल्प करें ही करें, जरूर करें। हमारे अपने लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।